गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज हम जीके में क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड क्लास है आपकी थर्ड और लेसन नंबर है 15। उसमें हम पढ़ेंगे फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में किस टाइप के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जगह जगह हर लोगों का फेस्टिवल का मनाने का तरीका अलग है कि कैसे फेस्टिवल को इंजॉय करते हैं। जैसे हमारे फेस्टिवल जैसे हैं कि हम दिवाली है, होली है, हम उनको काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। ऐसे ही जो तमिल के लोग हैं उनका फेस्टिवल अलग है, और पंजाबी हैं उनका फेस्टिवल अलग है। सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल हैं। तो आज हम उन्हीं फेस्टिवल के बारे में इस बुक में जो कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया है उसमें बताया हुआ, तो उसके अंदर हम रीड करेंगे और जगह जगह के फेस्टिवल के बारे में जानेंगे, है ना। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था लेसन नंबर 14 इंडियन चौपड़ी के, तो उसमें मैंने बताया था कौन सा स्टेट है जो किसी यानी जो प्लेस के बारे में बताया था वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों आप अच्छे से वीडियो देखिए, अपना वर्क कंप्लीट करिए, जिससे आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो हमें वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें इससे पहले कि हम फेस्टिवल ऑफ इंडिया आपकी क्लास है थर्ड और वीडियो नंबर है 14, है ना। तो आज हमें क्या करना है, हम इस लेसन को बुक के द्वारा पढ़ेंगे जिससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि उसमें, और क्योंकि आपकी बुक में फेस्टिवल्स के नेम दिए हैं, हर जगह की पिक दी हुई है। जैसे गुजरात है तो गुजरात की पिक दी हुई है, पंजाबी का पंजाबियों का दिया है, ओणम है कहाँ का है, ये सब चीज़ उसमें दी हुई है। तो हम पिक भी देखेंगे बुक में और उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ पर होता है, है ना। तो आज हम उससे रीड करते हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों देखो ये है फेस्टिवल ऑफ इंडिया लेसन नंबर है 15, ठीक है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 15 में इंडिया का जो दिया हुआ है उसके बारे में। हमारे इंडिया में तो डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी लोग रहते हैं, डिफरेंट नहीं जाति के डिफरेंट, है ना। जैसे गुजराती है, मराठी है, मलयालम है, तमिल है, पंजाबी, तो डिफरेंट लोग इस इंडिया में हमारे यहाँ रहते हैं। तो उनके बारे में आज हम देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ दिस पॉपुलर फेस्टिवल इन इंडिया, चूज योर आंसर विद द हेल्प पिक्चर। तो हमें क्या करना है, पिक्चर की हेल्प से हमें आंसर यहाँ फिल करना है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है द फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइफ। तो क्या बताया है कि इसमें जो फेस्टिवल है उसके बारे में क्या बताया है कि ये कौन सा फेस्टिवल है जो लाइट के लिए लाइट जलाते हैं और हम इंजॉय करते हैं तो काफ़ी रोशनी होती है। तो ये फेस्टिवल ऐसी कौन सी है कि जो रोशनी का त्यौहार है, है ना, दिया जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो ऐसा कौन सा फेस्टिवल है तो हम काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो हमें उस फेस्टिवल के बारे में बताना है कि ऐसा जो हमारा है दिवाली है, कौन सा है, दिवाली है। दिवाली पे हम क्या करते हैं, काफ़ी दिए वगैरह जलाते हैं, उस फेस्टिवल पर काफ़ी इंजॉय करते हैं, लाइटिंग वगैरह करते हैं ना, तो ये फेस्टिवल कौन सा है, दिवाली है, ठीक है। तो हमें ये बताया हुआ है दिवाली यहाँ पे, है ना। ऐसे सेकंड नंबर का है, सेकंड नंबर पे क्या पूछा है, तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, दिस स्पेक्टुलर 11 डेज फेस्टिवल ऑन द बर्थ ऑफ द ब्लोविड हिंदू एलिफेंट हेडेड गॉड। तो क्या लिखा है, इसकी 11 डेज ये फेस्टिवल को हम इंजॉय करते हैं, उनके अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं, और जो है यानी हिंदुओं का फेवरेट है और एलिफेंट हेडेड गॉड, तो जो एलिफेंट जैसा उनका सिर होता है, कौन है, कौन सी यानी जो देवता हैं, कौन सी गॉड हैं, तो उनका बताया हुआ है कि 11 डेज तक हम इनको खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है इनका, है ना। बट तो ये कौन से हैं, ये हैं गणेश चतुर्थी, यानी गणेश चतुर्थी पे हम क्या करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं और फेस्टिवल अच्छे से मनाते हैं। ये देखो ये दिया हुआ है ना गणेश चतुर्थी का, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं और जगह जगह पे खूब धूमधाम मची रहती है ना, तो इस फेस्टिवल को काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है, है ना। अब दिया हुआ है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है, द फेस्टिवल इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द फेस्टिवल ऑफ कलर। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो हम कलर से इंजॉय खेलकर इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे से इसको मनाते हैं, ज़्यादातर यानी इनमें काफ़ी कलर का यूज़ होता है ना, रिफर्ड एज द फेस्टिवल ऑफ कलर। तो कौन सा है, ये तो आपको नाम पढ़ कर ही नाम मालूम हो गया होगा ये फेस्टिवल कौन सा है, है ना। ये फेस्टिवल है होली, देखो ये होली लिखा हुआ है,
जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं उसके आंसर हमें यहाँ मिलते जा रहे हैं और पिक भी देखने को मिल रही है ना, मिल रही है ना। तो बच्चों हमें ये ऐसे ही करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और हमें आंसर भरना है। ऐसे ही है फोर्थ नंबर का, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, द केरल फेस्टिवल इन पुरी इज कॉल्ड। तो क्या है, इस फेस्टिवल के बारे में बताया हुआ है कि ये कहाँ पर मनाया जाता है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये है पुरी जगन्नाथ यानी उड़ीसा। उड़ीसा में क्या होता है, ये जो रथ यात्रा होती है काफ़ी धूमधाम से निकाली जाती है और बहुत अच्छे से लोग इसे मनाते हैं। रथ यात्रा का काफ़ी बड़ा आयोजन होता है, ठीक है। और इसका जो रथ यात्रा का है यहाँ पे दिखाया, देखो ये दिखाया है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है काफ़ी धूमधाम से, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उड़ीसा। अब जैसे कि इसमें फिफ्थ नंबर पर दिया हुआ है, द फेस्टिवल विच मार्क द एंड ऑफ रमजान इज। तो क्या कहा गया है, द फेस्टिवल विच मार्क द एंड ऑफ रमजान इज। तो ये कौन सा फेस्टिवल है जो रमजान और रमजान के नाम से जाना जाता है, वो फेस्टिवल कौन सा है। ईद उल फित्र कौन सा है, ईद उल फित्र। तो ये मुसलमानों का रमज़ान का त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो एक महीने के मनाया जाता है काफ़ी धूमधाम से, यानी जो लोग मुसलमान हैं वो काफ़ी अच्छे से मनाते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम रमज़ान के सभी फेस्टिवल्स के बारे में, हिंदू मुस्लिम है ना, और जैसे उड़ीसा के लोग हैं उनके बारे में। तो सारे फेस्टिवल काफ़ी पॉपुलर हैं। और सिक्स नंबर का दिया हुआ है, द पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो हमें वो बताना है कि फेस्टिवल ये कौन सा है जो तमिलनाडु में काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। तो हमें यह ढूंढना होगा कि तमिलनाडु के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो कौन सा है, पोंगल। कौन सा फेस्टिवल है, पोंगल। तो हमें यहाँ पे ढूंढेंगे और देखो ये पोंगल का दिया हुआ है कि फेस्टिवल पोंगल। ये साउथ इंडियन है, तो साउथ इंडियन लोग काफ़ी अच्छे से इसे मनाते हैं। तो ये ठीक है। तो हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा, सिक्स नंबर का क्वेश्चन लीड किया है ना, द पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल इन तमिलनाडु, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सेवन नंबर का। तो सेवन नंबर में क्या दिया हुआ है कि द ट्रेडिशन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला इज। तो जो केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो कौन सा है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल केरला का कौन सा हम बताएंगे, केरला का है ओनम। ओनम, ठीक है। ओनम क्या होता है, केरल का प्रमुख त्यौहार है और ये राष्ट्रीय पर्व भी है उनका, है ना। और ये क्या होता है, ये 10 दिन तक चलता है। तो ये ओनम है, ये ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, ठीक है। तो हमने इसे पढ़ा है और समझा कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो बच्चों हमें याद रखने हैं, तो केरला का जो है तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा फेस्टिवल है, ओणम। तो ओणम को ढूंढना है कि ओणम कहाँ पर बना हुआ है, कि ये है ओणम। तो ये फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम एट नंबर का। जैसे कि इसमें दिया है द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज। तो पंजाब में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज। तो पंजाब में कौन सा होता है, बैसाखी। तो बैसाखी जो आपने देखा होगा पंजाबी लोग होते हैं काफ़ी इंजॉय करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं और उनके काफ़ी लंगर वगैरह भी चलते हैं। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है, बैसाखी, है ना। तो हमें ये इसमें देखना है कि पंजाबियों का कौन सा त्यौहार है। तो हमें उसमें भी वो भी दिखाई देगा कि इसमें, तो बेटा पंजाबियों का जो फेस्टिवल है कौन सा है, बैसाखी, है ना। काफ़ी धूमधाम से नाचते गाते हैं। देखो ये है बैसाखी का वाला त्यौहार जो बच्चे मना और सभी लोग बड़े छोटे सभी इंजॉय करते हैं, है ना। जैसे हमारे दिवाली है, होली है, हम खुद फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं, ऐसे ही इन लोगों का बैसाखी है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, अब हम कौन सा पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ जैनिस, यानी जैनियों का फेस्टिवल कौन सा है। तो वो हमें बताना है कि जैनिस फेस्टिवल कौन सा है, उसके बारे में हम जानेंगे कि ये फेस्टिवल कौन मनाता है जैन लोग। ये कौन सा है, महावीर जयंती। कौन सा है, महावीर जयंती,
तो देखिए बच्चों, ये महावीर जी की फ़ोटो बनी है। तो यानी जो जैनिस लोग हैं वो काफ़ी धूमधाम से इस फेस्टिवल को इंजॉय करते हैं और मनाते हैं। तो ये कौन सा है? महावीर जयंती। ठीक है, अब ऐसे ही है 10 नंबर का है। अब वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट फेस्टिवल इज़, तो कौन सा है? अ वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट फेस्टिवल, तो कौन सा है? तो इसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा है? तो ये है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा का जो देखो ये दिया है, तो इसमें हम लास्ट वाला जो दिया है उसमें हम बुद्धिस्ट पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार अच्छे से मनाते हैं। तो ये फेस्टिवल के हमने नेम पढ़ी और उनके बारे में हमने जाना कि फेस्टिवल कितना नहीं सभी लोग इंजॉय करते, हर धर्म के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। जैसे हमने हिंदुओं के, तमिल के, पंजाबियों की, है ना, सभी लोगों की फेस्टिवल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें ये सारा नोट करना है, बुक में भरने आंसर, जैसे कि मैंने एक एक करके आपको पिक दिखाई थी उस पर उसके आंसर भी लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, वो आंसर यहाँ पर नोट करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये मैंने आंसर लिखे हुए हैं पूरे, है ना। पहले पे है दिवाली, दूसरे पे गणेश चतुर्थी, तीसरे पे होली, फोर्थ नंबर रथ यात्रा, फिफ्थ नंबर ईद उल फितर, सिक्स नंबर पोंगल, सेवन नंबर ओणम, एट नंबर वैशाखी और नाइन नंबर महावीर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा। तो ये हमने आंसर लिखे, ये आपको नोट करने हैं। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है और आपको इसी तरह वीडियो देखने और वर्क कंप्लीट करने का। तो बच्चों टेक केयर, बाय बच्चों।